हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हो? कल का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो चलो आज नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं फटाफट। और अभी मैं उठी हूँ, जा रही हूँ रेडी होने, आपको मैं रेडी होके मिलती हूँ। तो आज हमने बहुत सी प्लानिंग बनाई है, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। तो आप लोग देखिएगा ब्लॉग को एंड तक, देखते कौन कौन सी प्लानिंग कर पाते, मतलब जो जो प्लान किया है वो हो पाएगा या नहीं। तो चलो ठीक है, ट्राई करेंगे सब कुछ हो जाए, बट चलो ठीक है ट्राई। हे गाइस, सो फाइनली देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग चलेंगे। तो आज बाइक से ले जाऊँगी क्योंकि आज पापा घर पे हैं नहीं, वो ऑफिस गए हुए हैं। तो आज हम जाएंगे ऑटो से, तो चलिए चलते हैं, फिर अब मैं आपको सीधा रास्ते दूँगी। गाइस, हम सब लोग आ गए हैं और चलिए फिर अंदर चलते, फटाफट वीडियो बना के निकलते हैं और फिर चलेंगे साथ में घूमी। सो गाइस, रेडी हो लिए सही से, अब चलो अब वीडियो शूट करते फटाफट। तो अभी हम जा रहे हैं, सब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं फटाफट। ओके, देखिए वो, देखिए गाइस वो आके खड़े हैं, एक इधर है, एक वहाँ है हाथी के पास और एक यहाँ है। दो कलर के हैं दो बंदे। नहीं तुमने कर दी है। हे गाइस, तो हम लोग आ गए हैं और वो देखिए वो भी अपना व्लॉग शूट कर रहा है पगलेट, और हम सब यहीं पर है। कल मजा आई थी, बहुत मजा आया था, बहुत जबरदस्त। मेरी लड़ाई हो गई थी किसे? श्रिया से। बहुत वीडियो देखा गाइस, बहुत सही है ना, मारा था हमने श्रिया को। तुमने नहीं मारा था, तुमको भी मार पड़ी थी, यू डोंट नो दैट। वो देखिए गाइस वो खड़ी आज फिर पीटेगी, वे आज फिर पीटोगी? नहीं। वो नहीं पीटेगी आज गाइस किसी को। कल पीटने ने मस्ती कर रही थी, चप्पल था मेरा हैंडल था। एक बंदा वो देखिए वहाँ बना रहा है, एक बंदा ये देखिए यहाँ बना रहा है, और मैं यहाँ हूँ, देख सकते हैं मैं यहाँ बना रही हूँ। तो सब यहाँ वीडियोस बना रहे हैं, इनका चैलेंज वीडियो। तो गाइस देखिए एक और बंदी आ गई है, और इधर दिखाओ गाइस, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम दोनों ही, क्योंकि भाई 90s के गाने गाने हैं तो ज्यादातर नहीं सुनते हैं, लेकिन कभी कभी सुन लेते हैं, तो जो कुछ याद है वो करेंगे, बाकी चलो देखते हैं याद कर रहे हैं। गाइस, तो मैंने जो भी गाया, मैं जीतू या ना जीतू, बट गाइस जो भी मैंने सॉन्ग गाए वो मैंने अपने मतलब लाइफ को रिलेट करके गाया, क्योंकि जो भी थे इन सब से कुछ ना कुछ मेरा रिलेशन है। मतलब ये जो मैंने पहला गाना गाया इससे मेरे लाइफ से रिलेटेड, मतलब मेरी पूरी जिंदगी से रिलेटेड गाना है, क्योंकि कभी कभी यार कुछ ऐसे फेजेस आ जाते हैं मेरे सामने कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी सोचती हूँ यार मैं जिंदगी से परेशान होना कोई अच्छी बात नहीं है, तो भाई खुद को मोटिवेट करती हूँ और ये सारे गाने मुझे मोटिवेट करते, दैट्स वाई ये सब मेरे फेवरेट गाने हैं। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। और एक और है कच्चा घड़ा, वो सुन के भाई अलग सा ही मतलब वाइब आता है, भाई नहीं करना है करना है। तो आप लोग भी सुनिएगा, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, राहगीर जी का है। तो उन्होंने जो ये सॉन्ग बनाया, वो कुछ गाने हैं जो मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, तो उन्हीं सबको सुन के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और आप लोग के लिए वीडियो बनाना चाहती हूँ, और आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छी एक्टिंग और अच्छा वीडियो और अच्छा शूट और अच्छे ब्लॉग्स और अच्छी चीज़ें करना चाहती हूँ। बट मैं चाहती हूँ, मैं करके रहूँगी और आप लोग देखिएगा। और तो फिर बाकी जो दूसरा मेरा गाना था शुक्रिया शुक्रिया भाई, मेरा कोई ब्रेकअप हुआ नहीं, बट हाँ जैसे लाइफ को देख के मेरा चल रहा है, उससे मुझे पता चल रहा है कि जितने लोग अभी तक मिले सब मतलब यूज़ करने वाले मिले, तो फिर उससे थोड़ा रिलेट हो जाता है। और लास्ट वाला लग जा गले, तो वो थोड़ा मुझे लता मंगेशकर जी का ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, लग जा गले, तो इसलिए मैंने गाया और इससे थोड़ा मेरा कुछ मतलब अच्छा वाइब आता है और अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसलिए इस सॉन्ग को गाया, तो बहुत अच्छा लगा। और गाइज आप लोग को कैसा लगा बताइएगा, वो आप पे डिपेंड है, आप जिसको भी विनर बनाना चाहते बना सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ही उसको है। तो चलिए कोई नहीं, बाकी मैंने बता दिया, आप लोग की मर्ज़ी। चलिए ठीक है, थोड़ा इमोशनल नहीं स्ट्रांग बनना होगा लाइफ में, तो कोई नहीं, चलिए मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, यस आई एम स्ट्रांग, लव यू ऑल गाइज। हे गाइस, तभी हम शूट करेंगे फिर उसके बाद जाएंगे मूवी देखने, तो चलो फिर अभी शूट फटाफट करते फिर फटाफट चलते, 4:30 का बुक किया है हमने, 4:30 बजे जाना है, तो हम अपनी टीम के साथ जाएंगे और पूरी मस्ती दिखाएंगे क्या किया कैसे किया। ओके, तो चलो फिर चलते हैं, मज़ा करते, पहले वीडियो बनाते हैं, देन वी विल गो एंड डू मस्ती। देखिए गाइस, और फिर मैं आपको रिव्यू आके बताऊँगी कि कैसी मूवी जवान मूवी कैसी है और सब चीज़ें। ओके, सो बाय गाइस। अनुष्का यार एक ताली में एक बार और इंटेक करो भाई। क्या हुआ?
अनुष्का ने तुरंत आ गई है, पहले देखो वो हरकी एक्सेप्ट करने जा ही रही होगी, बेचारी एक्सेप्ट तक नहीं की, धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ा रहा है। ठीक है हर्षिया तुम बहुत पास खड़ी हो, गाइस इसका बंदा होते हुए भी इसको बंदा चाहिए, बंदा चाहिए। तो कट कर दो अब मेरी क्लिप पर। Hey guys, तो फाइनली शूट खत्म होता है और अब हम जा रहे हैं अपने hey guys, मेरा भी पूरा फेस काला हो गया, आप प्लीज मत देखो। आज बहुत धूप है गाइस, देखिए बहुत तगड़ी धूप है, कोई बात नहीं। चलो तो फिर अब हम जा रहे हैं सीधा, अब हम मिलते हैं आपको सीधा मूवी हॉल के अंदर। तो गाइस देखिए हम जा रहे हैं, बाकी देखिए लिफ्ट अभी हम लोग इधर से आ रहे हैं। अच्छा तो गाइस ये लड़की पहले भी आ चुकी है लेकिन इसने मूवी कोई नहीं देखी, अब हम लोग सब साथ में मूवी देखेंगे। तो चलो फिर हम मूवी देख लेते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। तो गाइस अब थर्ड फ्लोर पे हमें जाना है। गाइस खुशी देखिए मूवी देखकर जवान बन गए। नहीं वे आज नहीं लाई, उस दिन लाई थी बट अब आज नहीं लाई। तो देखिए ऊपर से ऐसा लगता है, देखिए गाइस आ गए, फाइनली आ गए। Hey guys, तो ये देखिए तो मैंने अपना पूरा मतलब टचअप कर लिया, तो बताइए कैसी लग रहा हूँ मैं। चलो चलते हैं बाहर। ओके लोग अपने लिए कुछ ले रहे हैं, बाकी मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मैं दिख रही हूँ गाइस, देखिए मैं दिख रहा हूँ। अब हमारी एंट्री होने जा रही है, तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, हाँ तो हॉल के अंदर एंट्री करने जा रही है। आपको दिखाती हूँ तो हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, आ गए हैं हम लोग कश्मीर के अंदर। हे गाइस तो फाइनली मूवी खत्म हुई, भाई मूवी सच में बहुत अच्छी थी, बाकी मैं आपको रिव्यू घर पे जाके दूंगी। और अभी हे गाइस तो मूवी कैसी थी बताइए। भाई बहुत अच्छी थी, देखना जरूर गाइस, इतने की मेहनत पड़ी हो।
बहुत अच्छी मूवी थी, थोड़ी ज्यादा अच्छी मूवी थी, बहुत ज्यादा अच्छी मूवी थी। चलिए फिर अब हम घर पे बताएंगे, रिव्यू घर पे रहेंगे। अभी मुझे तो आप लोगों को मूवी कैसी लगी, थोड़ा रिव्यू दीजिए। मूवी इतनी अच्छी थी, सामने आके दीजिए, मूवी देखी सामने आके दीजिए, सामने आके दीजिए। हाँ अब बोलिए। मूवी ऐसी थी कि हमने जिंदगी में ऐसी मूवी देखी नहीं, एक नंबर ऑसम सुपर जबरदस्त। और आप बताइए। अरे मूवी बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत अच्छी, भाई मूवी बहुत अच्छी थी, देखना जरूर, बहुत ज्यादा अच्छी थी। नीचे ही जाने का मैंने लाइफ में देखा, बहुत अच्छी मुझे लगी मूवी, देखना जरूर। और हमने आपसे बोला भी था कि फैमिली के साथ भी देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है, तो आपको मूवी जरूर देखने जाना और अपनी फैमिली के साथ और फैमिली को भी दिखाना। हाँ गाइस मूवी सच में बहुत अच्छी थी, मैं बोल रही हूँ मैंने आज तक शाहरुख खान की कोई भी मूवी नहीं देखी, लेकिन SRK की ये मूवी मेरी बहुत सी बहुत अच्छा गाइस, आई लव इट सो मच, आई लव इट सो मच। सच में देखिएगा, मेरा तो दिल जीत लिया, मेरा फेवरेट हीरो बन गया वो, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा है। ओके गाइस तो घर पे बाकी गाइस, तो फाइनली मैं घर आ गई, और तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, और जो मूवी थी वो बहुत ही अच्छी थी सच में। जवान आप लोग जाइएगा थिएटर में और देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो क्या ही बताऊँ, शाहरुख खान ने दो रोल, एक में वो विक्रम राठौर बने थे और एक में आज़ाद बने थे, तो दोनों ही रोल उनका बहुत ही गजब का था, लेकिन ज़्यादा मुझे अच्छा लगा विक्रम राठौर का, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो आते या तो भूल बोल किया है, और बहुत अच्छी मूवी, उसमें आप लोग समझेंगे तो हो जाएगा। और मैं तो भाई गई देख कर आई, और पहले दिन गई थी तो भाई मैंने उतना ही सोचा था, पहले मैं SRK की मूवीज़ देखती नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी तो भाई मैं तो फैन हो गई SRK की, सच बता रही हूँ। बाकी आप लोग भी देखिएगा और आप लोग भी बताइएगा फिर कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी मूवी, क्योंकि वो फार्मर्स के ऊपर है, और मतलब इंडियन इकोनॉमी के ऊपर वो पिक्चर बनाई गई है, जो हम लोग गवर्नमेंट चूज़ करते हैं तो इकोनॉमी जो हम लोग होती है वो सब इसी के ऊपर है। बहुत अच्छी पिक्चर है, वो वुमेन राइट और लोगों के राइट के लिए, मतलब पीपल राइट के लिए पिक्चर बनाई गई है, जैसे कि उसमें मोस्ट ऑफ द रोल केवल लेडीज का था पूरे पिक्चर में। उन्होंने जो एक्शन किया वो तो भाई कमाल के थे, बहुत मेहनत की बंदे ने, मतलब बहुत मेहनत की SRK ने, बहुत ही मेहनत से पिक्चर बनाई है, बहुत ही मेहनत से मूवी को रेडी किया है उन्होंने। उन्होंने दो रोल निभाए एक तो, और दोनों रोल उनके बहुत ही गजब के हैं और बहुत सही है। और दीपिका पादुकोण वाला रोल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, जब वो लास्ट में एकदम दिखाते हैं उनकी, जब उनकी स्टोरी वो बताती है, तो जब दीपिका पादुकोण वाला लास्ट में आता है रोल की भाई ये होता है, उनका जो फ्लैशबैक चलता है भाई वो मुझे सबसे पसंद आया, क्योंकि जब उनके साथ वो थे उसके बाद जब उनका बेटा हुआ उनको मार दिया, तो वो रोल मुझे उधर का जो है सीन कुछ ज़्यादा पसंद आया पूरे मूवी में, सबसे ज़्यादा पसंद मुझे वो आया। बाकी पूरी मूवी तो पसंद आई, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद मेरे को वही आया रोल, कि जब उन्होंने जो है उनसे बोला फिर उनको मार दिया वो सब। और सबसे इमोशनल टाइम तब था जब दीपिका ने बेबी को मतलब बर्थ किया, मतलब जन्म दिया, उसके बाद फिर उसको जब मतलब 4 साल का हो जाए तो उसके बाद उसको जो मार देते हैं भाई, वहाँ पे जो सॉन्ग था उसने भाई इमोशनल कर दिया था बहुत ही ज़्यादा। और एक और में बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी अपने पास के सिनेमा हॉल्स में जाके देखिएगा या तो फिर फ़ोन में डाउनलोड करके देखिएगा, आजकल तो भाई हो जाता है। तो चलिए फिर मैं आपको कल के ब्लॉग में मिलती हूँ, तो बाय गाइस और टेक केयर, तो मैं आपको कल के ब्लॉग में मिलती हूँ, सीधा बाय, लव यू ऑल।